अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग शफकत तबान टीवी। कार डीलरशिप और रिपेयर्स में सब कोई जाना होता है गाड़ियों के लिए, और लेकिन उसमें इस चीज़ से आप होशियार रहें कि वो क्या करते हैं। ये चीप ऑयल का कूपन देंगे और उसमें आपको दुकान पे बुलाएंगे, जो जिसमें कहेंगे $22 में ऑयल चेंज होगा, लेकिन उसमें आपको ऐसा काम बताएंगे जो कि उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज दे आर देयर टू मेक द मनी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी गाड़ी की बैटरी ड्रेन का इशू था, मैं वहाँ पर लेके गया तो उन्होंने बैटरी ड्रेन के इशू को ठीक करने के लिए $3,850 गए, जो बहुत ज़्यादा थे। गाड़ी में खड़ी करता था, सुबह करता था, स्टार्ट ही नहीं होती थी। तो यही काम जो था, मैंने बैटरी को अनप्लग करके अभी तो फ़िलहाल उसको ठीक कर लिया हुआ है। तो अब ये देखें, एयर फिल्टर और कैबिनेट फिल्टर का ये छोटा सा काम है जो अभी आपको मैं बताऊँगा कि आप ख़ुद कर सकते हैं, और $125 मुझे इसके मांगे, जबकि इसकी कॉस्ट सिर्फ $23 है, जिसमें मैंने आपको बताया कि $23 निकालें तो बाकी $102 10 मिनट की लेबर बनती है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप ख़ुद भी कर सकते हैं और आप देखेंगे ये कितना आसान काम है। और जब मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, मैं शुरू में डिफरेंट डीलर्स के पास गाड़ी ख़राब होती थी, मैं लेके गया था तो उन्होंने मुझसे $350 $400 उस काम के चार्ज किए, जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज ये दुकानें यहाँ पर बनी हैं टू मेक द मनी। ठीक है, आप पैसे बनाएं, लेकिन जो इतना ज़्यादा ओवर चार्ज करते हैं, स्पेशली जब आपके पास कोई अल्टरनेट ना हो या आपको पता ना हो, तो फिर आप के पास कोई ऑप्शन नहीं होती। तो आइए आपको बताता हूँ कि आप कैसे खुद कर सकते हैं। फ्यूल की प्राइस अगर आपको बताएं तो इस वक्त जो है वो एक जो गैलन है वो $3.54 का है। आज से 6 मंथ पहले, अब इस वक्त अक्टूबर है, अक्टूबर से 6 मंथ पहले ये जो था फ्यूल एक गैलन $2.15 का था, तो तकरीबन आप कह सकते हैं $1.5 का इजाफा हुआ है गैलन फ्यूल में। तो बाकी जो चीज़ें जहाँ पे छोटे मोटे स्टोर हैं उन्होंने तो अपनी प्राइजेस को बढ़ाया है, लेकिन जो बड़े स्टोर हैं जैसा कि वॉलमार्ट, आल्डी या इस तरह के दूसरे स्टोर हैं, तो वहाँ पे जो पेट्रोल के कीमतों के बढ़ने के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा है चीज़ों पर, काफ़ी चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा कि पाकिस्तान में लोग करते हैं, मतलब मनमानी, कोई पूछने वाला नहीं है शायद इस वजह से भी, तो उस तरह से नहीं है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल थोड़ी सी वो रहती है। अलबत्ता चीज़ें महंगी ज़रूर हुई हैं। आई वेंट टू अ डीलर फॉर ऑयल चेंज। ऑयल चेंज में ये एयर फिल्टर गाड़ी का चेंज करना होता है, इसके अलावा जो कैबिन एयर फिल्टर वो चेंज करना होता है, तो यहाँ पे इसका इंजन एयर फिल्टर होता है, तो इसको सिर्फ चेंज करने के उन्होंने $65 कहे थे मुझे, जबकि ये जो अंदर कैबिन एयर फिल्टर होता है जो इनसाइड है इसके, ये वाला, इसको चेंज करने के $55 उन्होंने कहे थे। तो टोटल मिला के तकरीबन ऑलमोस्ट $120 इंक्लूडिंग टैक्स एवरीथिंग उन्होंने मुझे एक्सपेंस कहा था। तो आज इसको मैं अब बताता हूँ कि आप इसको ख़ुद कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो गाड़ी का एयर फिल्टर होता है इंजन, इसको चेंज करना हर 20-30,000 माइल के बाद ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि इससे फ्यूल की कंजम्पशन फिर बेहतर होती है, अदरवाइज़ फ्यूल ज़्यादा खाता है। अभी मैं आपको इसको खोल के इसके अंदर की कंडीशन बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप हाउ यू कैन डू बाय योरसेल्फ एंड यू कैन सेव द मनी यू हैव टू पे फॉर द लेबर। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल ओपन इट और इसमें इसको चेंज कर लेंगे। आई मीन दिस इज़, इसकी मैं अमाउंट बताऊँ, दिस इज़ $12 आई परचेज इज फ्राम द वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के मुख्तलिफ स्टोर में एक से नहीं मिला तो दूसरे से मिल गया था। दिस इज़ $10 और इस $10 और $22 कॉस्ट है, बाकी लेबर है। तो आप कह लें अभी 10 मिनट में आप $100 का काम जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट और आप ये खुद करके कैसे अपना एक्सपेंस कम कर सकते हैं। Engine. There. See it?
right on there. If you found it, look right there, the screwdriver. Use the screwdriver. Tap the engine. Here, right there. You see it? Good job. You made it. You need to remember to this car, champion, subscribing, and money, and click the bell. Click the bell. Watch out your hand to the engine. हमें आनी थी बाबा दोस्तों का नजर हटाओ हाथ इसमें बड़ा मुश्किल है अब इस तरह से इसको ओपन करके इस पर से हम ये निकाल लेंगे ये देखें ये वाला निकाल लेंगे इसकी कंडीशन ये है इसकी जगह पे नया वाला हम जो है इसको डाल लेंगे मेक श्योर इसका जो साइज है वो सेम है सो एक स्क्रू है जिसको टाइट करना है इस तरह All right, now we will change the cable and air filter. That is Honda 5750 cabinet filter. For that, we will take out whatever we have inside. Glue that was holding. इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके, यूं करके इसको निकाल लेना. Take it out. उससे ये फिर नीचे हो जाएगा यूं. And we will see cabin air filter. फिर इसको ऐसे करके यू दोनों तरफ से प्रेस करके यू निकाल लेंगे यू कैन सी द कंडीशन ऑफ कैबिन एयर फिल्टर दिस वन दैट इज एक्सट्रीमली डर्टी और इसके ऊपर ये लगा देंगे रबर निकर से ही हो गया ये जो मास्क पहन पहन के ना बोर हो गए ऑलमोस्ट बोर तो मैंने कहा बजाय बोर होने के इसको एंजॉय करते इसको एंजॉय करते हैं मैं अक्सर जो है ना अब मास्क डिफरेंट किस्म के मैंने जो है ना इस्तेमाल करूँगा और आई विल टेक विद यू एंड आई विल मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा बिकॉज डिफरेंट जो पीपल मुझे अब देख के ना डिफरेंट किस्म के गेस्चर देते हैं और I would like to record that. Like, देखिए मास्क देखिए मेरा नया वाला Stand to enjoy. Enjoy करा मैं ये इस तरह मास्क लगा के ना और मैंने इसी तरह से जाना बाहर जाना है दो तीन और भी मास्क परचेज कर लेंगे बिकॉज दिस नॉट गोइंग टू बी एंड एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी कसम से 2 साल हो गए हैं दिमाग टेंशन ले लेके ना पागल हो गया सो वी नीड टू स्माइल बिकॉज लेट्स गो एंड आई विल टेक यू विद मी ये आपके अंदर से मैं दिखाता हूँ से देखिए कैसा रेस्टोरेंट है देखेगा ब्रेड हाय इट्स फॉर ब्रेड yes
कैसा रेस्टोरेंट है, बुकिंग सारी कवर्ड है। घोरे देखते हैं कि जो है ना क्या कर रहा है। ले आइए ब्रेड सेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। Yeah. Yes.